आर्थिक सहायता की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच आज अचानक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने धरनास्थल पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। किसानों की परेशानी सुनने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की मदद नहीं करते, वे सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करते हैं। मोदी सरकार से सवाल करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो किसान देश को बनाने में पूरा योगदान देते हैं, उनके प्रति सरकार का ऐसा रवैया क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज ना ही राज्य सरकार को सुनाई देती है और ना ही खुद पीएम मोदी को। पीएम की जिम्मेदारी है कि वे इनकी बातों को सुने। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कई किसान पिछले कई दिनों से राहत पैकेज की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सूखे के चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसीलिए राहत प्रदान की जाए। तो सूखे की मार झेल रहे किसान एक तरफ जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस मसले पर राजनीति भी जारी है। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार को घेरा और सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। देखते रहिए डीबी लाइव।